नगर निगम मुख्यालय के बाहर आज कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सड़कों पर जल भराव, पीने के पानी की कमी, प्रॉपर्टी आईडी, राशन कार्ड, इन सभी चीज़ों के ना होने के चलते आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या कहा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, आइए जानते हैं पायनियर हरियाणा की खास रिपोर्ट में। आपने 3 दिन पहले प्रॉपर्टी आईडी बनाई, फिर आपने दोबारा सेल आउट कर दिया, 4 दिन बाद फिर आईडी बनाओ प्रॉपर्टी आईडी। या तो उनको टाइम लिमिट करना चाहिए, एक प्रॉपर्टी आईडी 2 महीने बाद टाइम लिमिट करना चाहिए। कोई है कि मान लो 1 महीने में 10 बार जमीन की 10 बार प्रॉपर्टी आईडी बनवाएंगे क्या? दूसरा, अगर कोई पेपर पूरे कर रहा है, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है, तो विदाउट एनी कोशिश से बनाई चाहिए। 25-25 हज़ार की 20-20 हज़ार रिश्वत मांगना गलत बात है। सुमित भाई के पास व्हाट्सएप पे सब रिकॉर्ड है जिसमें 25 हज़ार की डिमांड की, लेकिन वो तो प्रभावशाली व्यक्ति हैं तो उनका ऐसे ही बन गया। लेकिन आम आदमी भी जाए, बेशक आप जाओ ट्रायल के लिए, आपसे भी इतने पैसे मांगे। मेरी सरकार से कहना है इस लूट कसोट को बंद करना चाहिए, बल्कि आप इसे टाइम लिमिट बाहर कर दें कि 3 महीने तक जो पहले प्रॉपर्टी की वैलिड है उसे वैलिड माना जाएगा। अगर 3 महीने प्रॉपर्टी दोबारा बिकती है, नहीं वैलिड। देखो जी, ये बीजेपी सरकार है, इसमें समाधान नाम की कोई चीज है नहीं। यहाँ सिर्फ समस्या ही समस्या है और आज हर वर्ग, हर इंसान समस्याओं से जूझ रहा है। आज हम सारे कांग्रेसी भाई यहाँ आकर बैठे हैं। ये समस्याएं तो बहुत है, पर हम 2-3 समस्याओं की अगर बात करें जिनका आज हमारा उद्देश्य है, जिनको लेकर हम बैठे हैं आज नगर निगम में। नंबर 1 है प्रॉपर्टी आईडी। जो इन्होंने प्रॉपर्टी आईडी की जो योजना चलाई है, वो योजना भ्रष्टाचार की योजना है। भ्रष्टाचार फैलाना है और इनका कुछ कोई मकसद नहीं है। आज प्रॉपर्टी आईडी के नाम में एक अपना मकान मालिक अपनी प्रॉपर्टी आईडी बनवाने जाता है तो कम से कम 20 से 25 हज़ार 30 हज़ार रुपये मांगे जाते हैं। जो पैसे नहीं देता उसकी प्रॉपर्टी आईडी बन जाती है, जो पैसे नहीं देता उसकी प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनती। हम यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हुए हैं। हम अपनी तरफ से अब अधिकारियों को अंदर संदेश मैसेज दिया है, संदेश भिजवाया है। अब देखते हैं, वेट करते कोई कोई अधिकारी आता है नहीं आता। और अभी ये सारा फरदाबाद गवाह है, पूरा हरियाणा गवाह है। अभी नगर निगम में 200 से 500 करोड़ के बीच में घोटाले हुए और सिर्फ कुछ चंद लोगों को मोहरा बना दिया। जो असली अपराधी हैं, जो उसके घोटाले के पीछे हैं, उनका किसी का कोई अब तक कोई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई।